आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राजस्थान कांग्रेस की। राजस्थान कांग्रेस को नया प्रभारी मिल गया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान के नए प्रभारी होंगे। बता दें कि पद मिलने के बाद उन्होंने न्यूज 18 पर बात की है और रंधावा का पहला रिएक्शन भी न्यूज 18 के पास आया है। न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत में रंधावा बोले हैं कि सभी को कांग्रेस के लिए बात करनी चाहिए। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है, कांग्रेस पार्टी एक परिवार के रूप में चलती है, ऐसा रंधावा ने कहा है। राजस्थान में मेरे सामने कोई चैलेंज नहीं है, बिना भेदभाव के ही न्याय करना संभव है। ये सुखजिंदर रवाना ने कहा है। राजस्थान कांग्रेस को नया प्रभारी मिल गया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान के नए प्रभारी होंगे। पद मिलने के बाद उन्होंने न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इसमें उन्होंने ये कहा है कि सभी को कांग्रेस के लिए बात करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक परिवार के रूप में चलती है, राजस्थान में उनके सामने कोई चैलेंज नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। बिना भेदभाव के ही न्याय करवाना संभव है। सुखजिंदर रवाना ने ये स्टेटमेंट दिया न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत में। उन्होंने ये बड़ी बातें कही हैं कि राजस्थान में उनके सामने कोई चैलेंज नहीं है और उन्होंने कांग्रेस को लेकर ये कहा कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार के रूप में चलती है, सभी को कांग्रेस के लिए बात करनी चाहिए, बिना भेदभाव के ही न्याय करवाना संभव है। ये कहना है राजस्थान कांग्रेस के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रवाना का, रंधावा का। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सचिन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार अपडेट्स उनसे लेते रहे हैं हम। वैसे भी सचिन, क्या कुछ जानकारी है? राजस्थान कांग्रेस को नए प्रभारी मिल गए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार के रूप में चलती है। बिल्कुल, देखिए सुखजिंदर सिंह रंधावा जो है वो पंजाब के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और खुद भी लगातार एक अलग तरह के डायनेमिक नेता रहे हैं। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया है क्योंकि अजय माकन जिस स्थिति में राजस्थान से अजय माकन की विदाई हुई है और सुखजिंदर सिंह रंधावा की जिस पोजीशन में राजस्थान में एंट्री हुई है उनके लिए आसान नहीं होगी रहा, ये रहा उनको आसान बनानी होगी। संभवतः ये माना जा रहा है कि उनसे पहले बातचीत की गई थी और उन्होंने खुद ने ये स्वेच्छा से इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने और तमाम नेताओं ने उनसे बातचीत की थी और कारण सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में वो रहे हैं और पंजाब में भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति थी। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया था और चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था कि तब कमोबेश राजस्थान से मिलती जुलती हुई स्थिति उस समय भी थी और चन्नी के साथ भी उन्होंने काम किया है। और इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू जो एक अलग ताकत थी पंजाब के अंदर उस समय, जब पंजाब में चुनाव थे, जब परिवर्तन हुआ था, तो नवजोत सिंह सिद्धू जो है उन्होंने बगावत की थी, उन्होंने मोर्चा खोल रखा था। तो ये जो है नवजोत सिंह सिद्धू के भी दुर्विरोधी रहे हैं सुखविंदर सिंह रंधावा जो हैं, तो उनको राजस्थान की कमोबेश जो स्थितियां राजस्थान में है उससे वो रूबरू हो चुके हैं पंजाब में रहकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका राजस्थान से नाता भी रहा है। उनके जो ग्रैंडफादर है, उनके जो दादाजी थे, वो कोटा से बिलोंग करते थे, कोटा में उनकी जमीनें भी थी, कोटा में वो रहते भी थे, लेकिन उसके बाद वो जाकर पंजाब शिफ्ट हो गए क्योंकि मूलतः वो पंजाब के थे, उनकी जमीनें होती थी। खुद न्यूज 18 से बातचीत में सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जब कल उनका अपॉइंटमेंट हुआ था उसके बाद जो फोनो लाइव पे वो जुड़े थे तो उसमें उन्होंने इस बात को कहा कि राजस्थान उनके लिए नया नहीं है, राजस्थान से उनका नाता रहा है। उनके ग्रैंडफादर जो है वो कोटा के रहे हैं, वो कोटा में थे, कोटा में उनकी जमीन जायदाद थी और लेकिन उसके बाद वो उनको पंजाब शिफ्ट होना पड़ा। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा के सामने बड़ी चुनौतियां होंगी और वो भी देखिए ऐसे समय में, क्योंकि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है ऐसे समय में उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि वो इस माहौल के अंदर मिलेंगे क्योंकि ये ऐसा माहौल है जहाँ कोई भी गुट हो, किसी भी तरह की गुटबाजी आपको राजस्थान में दिखाई नहीं देगी। मनों में, दिलों में जरूर गुटबाजी होगी, मनों में जरूर दरार होगी, लेकिन वो बाहर दिखाई नहीं देगी क्योंकि जब केसी वेणुगोपाल राजस्थान आए थे यात्रा शुरुआत होने से पहले और दोनों नेताओं के हाथ खड़े करके अभिवादन करवाया था और ये बताने की कोशिश की थी कि सब एक है, तो उसके बाद में किसी भी तरह की जो है गुटबाजी राजस्थान में देखने को नहीं मिली है। तो रंधावा के लिए सबसे अच्छी बात ये होगी, सबसे बड़ा फायदा रंधावा को ये होगा कि वो ऐसे समय में प्रभारी बनाए गए जब राहुल गांधी राजस्थान में है। तो राहुल गांधी अगर राजस्थान में है और वो उनसे आके मिलेंगे और तमाम नेताओं से मिलेंगे, सचिन पायलट से उनकी मुलाकात हो जाएगी यहीं पे, अशोक गहलोत से मुलाकात हो जाएगी, राजस्थान के जो तमाम बड़े लीडर्स हैं उनसे उनकी सीधी मुलाकात हो जाएगी, पूरी कैबिनेट राहुल गांधी के साथ चल रही है तो पूरी कैबिनेट से उनकी मुलाकात हो जाएगी, तो वो नब्ज टटोलना उनके लिए थोड़ा आसान होगा और वो भी ऐसे समय में
जब हर कोई डिसिप्लिन के अंदर है। तो ये रंधावा का जो समय चुना गया ये एक बेहतर अच्छा समय चुना गया, क्योंकि यात्रा का दूसरा दिन है। अभी भी तकरीबन जो यात्रा है वो यात्रा 13 दिन, अगर आज के दिन को निकाल भी दिया जाए तो 13 दिन यात्रा राजस्थान में रहने वाली है। और ये मान के चला जा रहा है कि रंधावा 1 या 2 दिन में राजस्थान के प्रभारी का पदभार ग्रहण करेंगे और काम संभाल भी लेंगे, और क्योंकि वो भी समझते हैं कि ये जो माहौल है इसमें काम संभालना उनके लिए आसान होगा। लोगों को समझना, लोगों के साथ अगर समय बिताएंगे, नेताओं से बातचीत करेंगे तो यहाँ के माहौल को समझ सकेंगे। और रंधावा का ये कहना है, और रंधावा का अनुभव भी काफी है। सुखजिंदर सिंह रंधावा, जैसे कि मैं बता रहा था कि उप मुख्यमंत्री रहे पंजाब के, चन्नी के साथ उन्होंने काम किया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उन्होंने काम किया है, नवजोत सिद्धू जिन्होंने रिवोल्ट किया था, बाद में प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उसका भी उन्होंने जमकर विरोध किया था। तो कमोबेश जो राजस्थान की स्थिति है वही स्थिति जो है वो पंजाब की भी उस समय में थी। तो उनको उस चीज का अनुभव है कि कैसे जब 2 या 3 पावर सेंटर किसी स्टेट में हो तो उनके बीच में कैसे सामंजस्य बिठाया जा सकता है। तो तमाम तरह की चीजों का अनुभव रंधावा रखते हैं। हालांकि चुनौतियां कम नहीं होगी, चुनौतियां बहुत है ऋषि का उनके सामने, बड़ी चुनौतियां उनके सामने हैं। ऐसी स्थिति में जब अगले साल चुनाव होने हैं और दोनों नेता पूरी तरह से एक दूसरे के दुर्विरोधी हैं, हाथ उठाने से दिल नहीं मिले इन दोनों नेताओं के। आज भी आपने देखा होगा, कल भी देखा था, राहुल गांधी की सभा में सचिन पायलट के नारे लगे, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो सचिन पायलट जैसा हो। जब भी मुख्यमंत्री की गाड़ी कारकेट यात्रा से निकली तब भी ये नारे लगे कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, राहुल सचिन पायलट जैसा हो। तो अभी भी कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से जो है कार्यकर्ता वो शांत नहीं है, लेकिन फिर भी जो बड़े नेता है वो डिसिप्लिन में है। तो तमाम तरह की चीजें जो है वो राहुल गांधी के सामने है, और रंधावा चाहेंगे कि ऐसे समय में वो प्रभार संभाले और राजस्थान की जो है वो नब्ज को टटोलने की कोशिश करें। जी जिस तरह से रंधावा को अब ये प्रभारी बनाया गया, उनके सामने कई चुनौतियां होंगी, क्योंकि हम देखते आए हैं कि जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत में जिस तरह से बयानबाजी चली है और उसके बाद दोनों ने एकजुटता का भले ही संदेश दिया हो, लेकिन उनके सामने चुनौतियां तो कई रहने वाली हैं। जी देखिए, बिल्कुल चुनौतियां रहने वाली है। हमने जैसे कहा कि राजस्थान में अगले साल चुनाव है, 1 साल का कम समय है, और ऐसे में दोनों नेताओं को एक मंच पर लाना ये आसान हो सकता है। वो राहुल गांधी ने भी करके दिखा दिया है, वेणुगोपाल ने भी करके दिखा दिया है, लेकिन दोनों नेताओं के दिल मिल जाए, दोनों नेता दिल से एक दूसरे के साथ हो जाए, ये आसान नहीं होगा रंधावा के लिए। क्योंकि रंधावा जो है वो राजस्थान से बिलोंग, उनका नाता जरूर रहा है कोटा से, लेकिन फिर भी राजस्थान की राजनीति और पंजाब की राजनीति में अंतर है। जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि आलाकमान ने जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दिया, तो राजस्थान में अशोक गहलोत को हटाना उनके लिए आसान नहीं होगा। तो 25 सितंबर की घटना किसी से छिपी हुई नहीं है, अशोक गहलोत ने ये बता दिया कि वो राजस्थान के सर्वमान्य नेता हैं, विधायक उनके साथ हैं। बिल्कुल देखिए सचिन, जिस तरह से पूरे घटना